तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ ब्लू टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग, जिससे कि आप करके अपनी फोटो की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हो एंड अपने फोटो कर सकते हो रिटच, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैं सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ स्नैपशीट में करने वाला हूँ। एंड अगर यदि आप भी स्नैपशीट में यूज़ करते हो एंड उससे आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारे टूल्स को एक्सप्लोर किया हूँ। तो कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, कुछ लंबा ज़रूर हो जाएगा, पर आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं वीके एडिट। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एडिटिंग में हम इस फोटो को यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोटो डार्क है। तो अब इस फोटो को हम करने वाले हैं प्रोफेशनल तरीके से एडिट, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसे शेयर में जाके कर लेंगे स्नैपशीट ऐप में ओपन। तो फ्रेंड्स, यहाँ ओपन करते ही हमारा फोटो आ चुका है स्नैपशीट ऐप में। तो सिंपली हमें यहाँ टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद हमें जाना है डिटेल्स में, एंड फोटो की जो स्ट्रक्चर एंड शार्पनेस है हमें इसे इंक्रीज कर देना है। शार्पनेस को कर देना है करीब 50% से इंक्रीज एंड स्ट्रक्चर को 20% इंक्रीज, ठीक है। एंड यहाँ से हमें डन कर लेना है। तो यहाँ डन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पिंपल हमारे फेस पे हैं एंड दाग धब्बे भी हैं। तो इसे रिमूव करने के लिए हमें यहाँ टूल्स में जाना है एंड यहाँ हीलिंग टूल में जाना है। एंड उस एरिया में हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जहाँ जहाँ इरेज करना है, बस यहाँ टैप करना है एंड वो गायब हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमें वहाँ टैप करते जाना है एंड गायब होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ सारे स्पॉट्स अच्छे से क्लियर करने के बाद हमें यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये करने के बाद हमें चले जाना है टूल्स में, जाना है ट्यून इमेज में एंड सिंपली यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कर लेना है हमें। जैसे कि ब्राइटनेस कर लेना है हमें यहाँ पे हल्का सा कम, ब्राइटनेस कम कर लेना है एंड कॉन्ट्रास्ट भी कर लेना है कम। एंड इसका सेचुरेशन में कुछ नहीं करना है, एम्बियंस करना है थोड़ा सा बढ़ा जाना है एंड हाईलाइट्स थोड़ा सा कम कर देना है एंड शेडो भी कम कर देना है एंड टेम्परेचर भी कम कर देना है। अब आप बोलेंगे फ़ोटो की इतनी तो डार्क हो चुकी है, हम करना क्या चाहते थे, हो क्या गया? पर टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ अंडो में जाना है एंड व्यू एडिट्स में जाना है। अब जो हम किए हैं इसे हमें क्लिक करना है एंड ब्रश में जाना है एंड इन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ सिंपली हम यहाँ इन्वर्ट कर लेंगे एंड अपने फेस से सारे इफेक्ट्स को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये करने से होगा क्या, जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, जिससे फ़ोटो में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा एंड हमारा जो फेस है, जो हमारा बॉडी है, वो काफ़ी अच्छे से ग्लो करेगा, ठीक है। एंड यहाँ से हमें कर लेना है डन। तो डन करने के बाद हमें यहाँ से चले आना है बैक, फिर चले जाना है हमें टूल्स में एंड जाना है सिलेक्टिव में, ठीक है। एंड अपने फ़ोटो को करना है ब्राइट, तो सबसे ज़्यादा जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड थोड़ा सा जूम कर लेना है एंड ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए फेस को हम जो इसका स्ट्रक्चर है इसको हम करने वाले हैं कम, ठीक है। तो देखिए फोटो की जो स्मूथनेस है वो थोड़ा सा अच्छा हो चुका है, क्योंकि स्ट्रक्चर कम करने से थोड़ा सा स्मूथ फोटो हो जाता है। एंड यहाँ थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा और कम कर लेंगे, तो कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया था। तो फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पे भी हमारा ब्राइटनेस आ चुका है। ये करने के लिए हमें चल जाना है अंडो में एंड चल जाना है व्यू एडिट्स में एंड सिंपली हमें चुन लेना है ये वाला एंड ब्रश में जाके एकदम कम कर लेना है एंड एक्स्ट्रा पार्ट्स को यहाँ से इरेज कर देना है। जहाँ जहाँ हमारा एक्स्ट्रा लाइट आ गया था वहाँ वहाँ हमें इरेज कर लेना है। एंड फ्रेंड्स, ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नहीं करने से फ़ोटो बहुत भद्दी से लगती है एंड बगल बगल भी बहुत ख़राब सा एक इफ़ेक्ट आ जाता है, जो कि ये बहुत फेक लगता है। एंड सिंपली ये करने के बाद हमें यहाँ से कर लेना है डन एंड चले आना है यहाँ से हमें बैक। एंड सिंपली हमें फिर से टूल्स में चले जाना है एंड ब्रश में सेलेक्ट कर लेना है एंड जहाँ पर डॉज एंड बर्न इफेक्ट है उसे सेलेक्ट करना है एंड अप्लाई करना है अपने फेस पे, ठीक है। थोड़ा सा डॉज इफेक्ट को बढ़ा के अपने फेस में जहाँ जहाँ आपको लाइट चाहते हैं उस एरिया में आपको हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है, ताकि आपको एक अमेजिंग सा इफेक्ट देखने को मिले। जैसे जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ,
कि जहाँ जहाँ लाइट मुझे चाहिए उस जगह में, जहाँ जॉ लाइन्स में एंड नोज में, फॉरहेड में, इस जगह में मैं थोड़ा थोड़ा लाइट ऐड कर रहा हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये करने वाला देखिए हमें काफ़ी चेंज देखने को मिल चुका है। एंड अब हमें चल जाना है फिर से टूल्स में एंड फिर से जाना है ब्रश में एंड सैचुरेशन को क्लिक करके अपने लिप्स पे यहाँ पे अप्लाई कर देना है, जिससे कि आपका जो लिप्स है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा एंड अच्छा, जो काफ़ी अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। काफ़ी डल लग रहा था मेरा लिप्स, इसलिए मैं यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई करती हूँ। यहाँ फिर चल जाना है, डन डन कर लेंगे। सो डन करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमारा फेस और थोड़ा सा स्मूथ हो, तो उसके लिए हम चल जाएंगे टूल्स में एंड यहाँ पर जो लेंस ब्लर का जो ऑप्शन है इसे चुन लेंगे एंड हल्का इसको पूरा एकदम स्क्वीज कर लेंगे, एकदम पतला कर लेंगे एंड बगल में रख देंगे। एंड इसका जो स्ट्रेंथ है इसको हम करीब 5 या 6% रखेंगे एंड यहाँ से हम कर लेंगे डन, ठीक है। एंड फिर चल जाएंगे व्यू एडिट्स में एंड चल जाएंगे इसमें ब्रश में एंड अपने यहाँ से एकदम 100% करके अपने फेस में इसको अप्लाई कर देंगे धीरे धीरे, जैसे कि हमारा फेस देखिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। आपको भी इसे करने में काफ़ी मज़ा आएगा एंड कीजिएगा। अगर यदि आप करते हैं इंस्टाग्राम में और डालते हैं आप लोग अपलोड करते हैं तो ज़रूर से मुझे टैग कर दीजिएगा इंस्टाग्राम में, ठीक है। एंड ये करने के बाद इसे कर देंगे हमें डन, कर लेना है डन, ठीक है। एंड चले आना है बैक एंड इसके बाद हमें करना है थोड़ा शार्पनेस ऐड, तो फिर चल जाएंगे टूल्स में एंड डिटेल्स में जाके थोड़ा शार्पनेस को इंक्रीज कर लेंगे, जिससे कि हमारा फोटो की शार्पनेस है थोड़ा सा और हाई हो जाए, ठीक है। तो डन कर लेंगे एंड यहाँ से कर लेंगे डन। तो अब फिर जाना है हमें टूल्स में एंड यहाँ पे जो HDR स्केप है इसमें हम चल जाना है एंड पीपल वाला ऑप्शन में रख के इसको कर देना है 10 पे, ठीक है, 10 तक कर देना है स्ट्रेंथ एंड डन कर लेना है। एंड फिर चल जाना है टूल्स में एंड विंटेज को कर लेना है सिलेक्ट एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन में रख के इसकी जो ये स्टाइल स्ट्रेंथ है इसको हमें पूरा 0 कर लेना है एंड जो विनियड स्ट्रेंथ है इसे हमें 15 या फिर 9% के आसपास रख के 10% के आसपास रख के डन कर लेना है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमें सिंपली यहाँ जो शेयर का ऑप्शन है यहाँ चल जाना है एंड अपने फ़ोटो को कर लेना है शेयर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, ताकि हम आगे का जो एडिटिंग है वो कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन हम शेयर कर लेते हैं एंड अब हमारा फ़ोटो जो है वो ओपन हो चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो सिंपली हम यहाँ कुछ फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, कुछ लेंस फ़ोटो, सिंपली यहाँ फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ मैं।
अभी हमने जो एडिट किया है वो सिंपली यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है एंड कर लेना है ऐड। हमारा फोटो अब यहाँ पे ऑल फोटोज में आ जाएगा एंड यहाँ अपने फ़ोटो को चुन लेना है एंड आ चुके हैं अब लाइट रूम ऐप पे। यहाँ सिंपली हमें यहाँ सेलेक्टिव टूल में चल जाना है। सेलेक्टिव टूल सिंपली एक प्रीमियम वर्जन में आएगा एंड यहाँ ऐड में जाके ब्रश में जाना है एंड हल्का सा ब्रश बढ़ा लेना है एंड जहाँ जहाँ लाइट पोर्शन है वहाँ वहाँ हमें अप्लाई कर देना है। एंड अगर यदि आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए होगा तो आप सिंपली गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। काफ़ी सारा यूट्यूब में भी इसका जो ट्यूटर इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। आप सिंपली इस तरह बगल बगल जहाँ लाइट पोर्शन है वहाँ पर इसको अप्लाई कर दें एंड हल्का सा जैकेट पे भी यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड साइज़ जो इसका फिर से मैं कम कर लूँगा एंड जैकेट का जो शोल्डर पोर्शन है वहाँ पे भी मैं हल्का हल्का से थोड़ा सा डार्क कर लूँगा वहाँ पे, ताकि लाइट्स वहाँ पड़े वो उस तरह का कुछ इल्यूजन आए। एंड राइट लेफ्ट शोल्डर में भी अपना मैं यहाँ पे डार्क कर लूँगा। ये करने के बाद फिर से ब्रश थोड़ा सा छोटा करके अपने जो फेस की जो एजेस है वहाँ पे भी हमें थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है, जेंटली अप्लाई करना है। एंड अप्लाई करने के बाद हमें चले आना है लाइट्स में एंड लाइट्स में चले आना है एंड इसका जो एक्सपोजर है थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रियलिस्टिक से इफ़ेक्ट आ जाएगा, काफ़ी आसान सा। एंड यहाँ कर लेना है टेम्परेचर में एंड टेम्परेचर कर लेना है कम एंड सिंपली ये करने के बाद हमें कर लेना है डन, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर लेना है और ज़्यादा डन कर लेना है। तो यहाँ डन करने के बाद हमें कुछ लाइट्स पे वर्क करना है, इसलिए हम चल जाएंगे लाइट्स पे एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट इसे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे एंड जो शेडोज़ है इसे भी हम थोड़ा शेडोज़ नहीं कुछ करेंगे एंड ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। एंड फिर कलर्स में जाके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर लेंगे एंड जो उसका वाइब्रेंस है थोड़ा बढ़ा लेंगे एंड सैचुरेशन कर लेंगे थोड़ा सा कम। चल जाएंगे फिर से मिक्स में एंड जो उसका येलो पोर्शन है येलो पोर्शन से हम थोड़ा सा ह्यू कम कर लेंगे एंड जो ऑरेंज है इसके जो लुमिनेंस है इसे हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। लुमिनेंस बढ़ा लेंगे जिससे कि हमारा जो फेस का ग्लो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा एंड रेड का जो ह्यू है थोड़ा बढ़ा लेंगे एंड लुमिनेंस को भी बढ़ा लेंगे। एंड इसका जो ब्लू कलर है इसका हम ह्यू कर लेंगे माइनस, जिससे हमें बहुत ही एक ऑसम सा एक लाइट देखने को मिलेगा। कर लेंगे माइनस एंड जो इसका मैजेंटा कलर है इसका जो ह्यू हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड ऐसा जो सैचुरेशन है इसे भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फिर हमें कर लेंगे यहाँ से डन एंड चल जाएंगे फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन में एंड जो इसका क्लियरिटी है इसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे कि हम बहुत अच्छा से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा एंड विनेट है थोड़ा सा कम कर लेंगे एंड यहाँ पे जो ग्रेन अमाउंट है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड अब जो शार्पनेस है इसे हमको अच्छा से इम्प्रूव कर लेना है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा लेंगे एंड जो इस अब देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ने से थोड़ा सा मतलब क्लियर आ चुका है हमारा दाग धब्बा सब, तो उसके लिए हम नॉइज़ रिडक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे, मतलब और ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे एंड कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा लेंगे। एंड सिंपली आप देखिए हमारा जो फ़ोटो है काफ़ी ज़्यादा HD में हो चुका है एडिट, जैसे कि देखिए काफ़ी मैं से जूम कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड HD हो चुका है। एंड देखिए ये जो एडिट था ये पिक्सार्ट में कुछ इस तरह था एंड अब हो चुका है कुछ ऐसा। एंड सिंपली अब हम क्या करना है, 3 डॉट्स में जाके सेव टू डिवाइस जाना है एंड हाईएस्ट क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम एंड स्टे